फरमाता है, ये ले ताज शफाक, कल मजा महशर में आएगा, मेरे महबूब तू चाहेगा जिसको बख्शवाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है समाप्त कीजिएगा हजरत। हुआ इरशाद आली, जब कोई मेहमान आता है तो अपने साथ अच्छा सा कोई तोहफा भी लाता है। बुलाया है तुम्हें, तुम खास मेहमान बन के आए हो, हमारे वास्ते महबूब तुम क्या चीज लाए हो। कहा ऐ मेरे मौला, हम यही एक तोहफा लाए हैं, तुझे हम जानी और बदनी इबादत लेके आए हैं। कहा रब ने कि तुमको शान महबूबी सलामत हो, हमेशा के लिए तुम पर मेरी रहमत हो, बरकत हो। नबी बोले सलाम हम पर हो और सब नेक बंदों पर। हजरत ये अत्तहियात का तर्जुमा आप समाप्त फरमा रहे हैं। नबी बोले सलाम हम पर हो और सब नेक बंदों पर, जो तेरे नेक बंदे हैं उन्हें सब अर्जुमंदों पर। फरिश्तों ने शहादत दी, तू ही माबूद है अल्लाह, तेरा सानी नहीं कोई, किसी को भी नहीं सजदा। मोहम्मद मुस्तफा बंदे तेरे, ऐ बंदा परवर है, तेरे महबूब हैं, शाहे रसूल प्यारे पैगंबर हैं। ये फरमाया खुदा ने, जब कोई मेहमान घर जाए तो लाजिम है कि उसको भी कोई तोहफा दिया जाए। पसंदीदा तुझे महबूब हमने एक शय ये दी, नमाजें सब पढ़े उम्मत तेरी 50 वक्तों की। नमाजें मिलेगा दर्जे मेराज उन सब नमाजों में, मिलेगा दर्जे मेराज उनको सब नमाजों में, मिलेगा दर्जे मेराज उनको सब नमाजों में। देखकर जलवा मोहम्मद मुस्तफा आए, फलक हफ्तम पे वापस जब हबीबे किबरिया आए। मिले मूसा कलीमुल्ला, कहा सरकार से खुश हो, मुबारक हो मुबारक हो, शबे मेराज ये तुमको। कहा फिर अपनी उम्मत को नमाजें कितनी लाए हो, कहा सरकार ने 50 वक्तों की मिली हमको। रसूल पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी उम्मत के लिए 50 वक्तों की नमाज दी थी, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह आपको मशवरा देते हैं कि आपकी उम्मत सरकार ये 50 वक्तों की नमाज अदा नहीं कर सकेगी, आप फिर जाइए अल्लाह तबारक व तआला के पास। इसी तरीके से हुजूर कई बार आए गए हैं। समाप्त कीजिएगा आगे का वाकया। दिया ये मशवरा मूसा कलीमुल्लाह ने हजरत को, 50 औकात की दिन रात तुम्हें मुश्किल है उम्मत को, ये बेहतर है कि वापस फिर खुदा के पास तक जाएं, नमाजें हैं बहुत अल्लाह से तख़फीफ करवाएं। गरज 9 बार फिर आए गए तो ये कमी आई, नमाजें रह गईं दिन रात में सब 5 वक्तों की। ये फरमाने खुदावंदी हुआ उम्मत से कह देना, पढ़ेगा 5 वक्ता तो सवाब उतना ही पाएगा। नमाजें 5 गाना होंगी जो भी हक परस्तों की, लिखी जाएंगी ऐ महबूब वो 50 वक्तों की। खुदा का शुक्र अदा करके मोहम्मद मुस्तफा आए,
उसी रफ़रफ़ से वापस आप फिर जिब्रील तक पहुंचे। बुरा काया जो पेशे मुस्तफा तो उस पे फिर बैठे, उन्हें रूहुल अमी पहुंचा गए खुद मक्के में आके। गए अंदर मका के तो नबी पाक ने देखा, शबे मेराज का ये मोजिजा पेशे नजर देखा। तमामी सैर करके अर्श की साहे रसूल आया, मिली जंजीर हिलती और बिस्तर गरमाया। मिली जंजीर हिलती और बिस्तर गरमाया। मिली जंजीर हिलती और बिस्तर गरमाया। आका मेरे मेराज में रहे, लेकिन जब वापस आए तो आपका वो बिस्तर जिससे आप उठकर गए थे वो गर्म था, और जिस दरवाजे से आप निकल कर गए थे उसकी जंजीर हिल रही थी अभी तक। ये मर्तबा है, ये शान है मेरे आका की। लेकिन सहर को मुस्तफा ने राज ये अबू बकर पर खोला। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत ने सबसे पहले ये कहा, क्या कहा समाप्त कीजिएगा। सहर को मुस्तफा ने राज ये अबू बकर पर खोला, कहा अबू बकर ने खुश हो के सद्दकता रसूल अल्लाह। लकब सिद्दीक का अबू बकर ने इस बात पर पाया, कहा सरकार ने ये राज अभी अफशा नहीं करना। गए बाजार में जो आप तो क्या आपने देखा कि एक मजसूब अरबी इस तरह नारे लगाता था। मोहम्मद को हुई मेराज पहुंचे अर्श आजम तक, खुदा से मिलके पल में पलट आए नबी बेशक। गया अबू जहल मक्का शहर के लोगों को ले आया, कहा लोगो मोहम्मद कहते हैं मैं अर्श पर पहुंचा। खुदा से मिलके पल में पलट कर अपने घर आया, जो इतना झूठ बोले वो पैगंबर हो नहीं सकता। मज़ला बुलाकर फिर रसूले पाक से अबू जहल ने पूछा, तुम्हें देखा किसी ने, कोई भी तस्दीक कर देगा। ये फरमाया नबी ने, रात हम जिस राह से आए हमें उस राह में एक ऊंट पर दो आदमी पाए। बराबर जब बुराक आया तो एकदम ऊंट वो बिदका, गिरे दोनों जिमी पर एक बशर का हाथ भी टूटा। वो परसों सुबह को मक्का शहर तक पहुंच पाएंगे, तुम उनसे पूछ लेना बात ये दोनों बताएंगे। हुई परसों, हुई परसों तो वो दोनों बसर आए गवाही दी। कहा बेशक सवारी पास से गुजरी, कहा बेशक सवारी पास से गुजरी मोहम्मद की, कहा बेशक सवारी पास से गुजरी मोहम्मद की। मक्के में जो ईमान ले आए, रिसालत की गवाही दी तराने हम्द के गाए। जो ईमान ला चुके थे उनको तो बेहद मसर्रत थी, हकीकत में शबे मेराज थी मेराज उम्मत की।